डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अमोनिया एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको अमोनिया की डेंसिटी बतानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे और 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब अमोनिया क्या है? गैस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन वैल्यू को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं, तो देखिए एक तो टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 30 + 273 केल्विन यानी कि ये हो जाएगा 303 केल्विन, ठीक है ना। दूसरा हमको प्रेशर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेयर का। तीसरा आपको याद आ रहा है कि यहाँ पर R जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे और लीटर में रखेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। तो पर केल्विन पर मोल ये वैल्यू आती है, ठीक। तो इस तरह से आप ये वैल्यू, तीन वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता चल गया, प्रेशर पता चल गया, ये। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है, यानी कि डी जो है वो आपको कैलकुलेट करना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल्स जो होता है ये इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल टू WRT/m हो जाएगा, ठीक है ना। तो PM इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा PM इक्वल टू हो जाएगा W/V × RT हो जाएगा, ठीक है ना। W/V क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो मास बाई वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PM इक्वल टू हो जाएगा DRT हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब D की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी PM/RT, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए प्रेशर जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 5 एटमॉस्फेयर का इनटू एम। एम क्या है, मॉलिकुलर वेट है। मॉलिकुलर वेट किसका है, अमोनिया का। तो अमोनिया का मॉलिकुलर वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 है। नाइट्रोजन कितना, 1, तो 1 एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना, 3 एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 प्लस 3 इसका 1, टोटल वैल्यू हो गई 17 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का वेट अगर लोगे तो 17 ग्राम आता, ठीक है। तो ये आपने कर दिया इनटू क्या कर दिया, 17/0.082 इनटू टेम्परेचर क्या है, 303, ठीक है ना। आप जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 3.42 के आसपास आएगी, देख लीजिएगा 3.42 ग्राम पर लीटर आएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे।